यू तो ऐसे लाखों लोग हैं जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाते हैं उनको, बट स्टिल इन दिस वीडियो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैंने बताया है। बट यहाँ पर मैं गुलजार भाई की बात करूंगा। गुलजार भाई वही हैं जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट आज से 7 महीने पहले करवाया था। इन दिस वीडियो 7 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखो गुलजार भाई के अलावा भी ऋषभ भाई हैं, आसिफ भाई हैं, इसके अलावा जो है अमित गुप्ता जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिले। डेफिनेटली आपने उनके वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार भी दिया। गुलजार भाई भी उन्हीं में से एक है। गुलजार भाई का जो रिजल्ट है यार वो थोड़ा सा ना मतलब डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है। मतलब एक गंजा व्यक्ति, पूरी तरह से गंजा व्यक्ति, और वो अपना हेयर ट्रांसफर करवाता है, एकदम से वो निखर के आता है। छोटी सी एज एंड ऑल, डिटेल में बात करेंगे। बट चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हो सब्सक्राइब जरूर कर दो, नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा दबा दो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो बहुत ज्यादा बहुत जल्दी में बात करेंगे, समझ में आएगा बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कॉमेंट कर देना, दोबारा समझा देंगे। गुलजार भाई जिनकी एज 22 साल है जब इन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, अभी 7 महीने उनके हेयर ट्रांसप्लांट को हो गया है। देखो 22 साल की एज में बाल जाना अपने आप में बहुत ज्यादा दुखदायक रहता है, क्योंकि भैया समाज जो हमारा है वो एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। दूसरी चीज, हमारा जो आत्मविश्वास है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। आत्मविश्वास कम होने के कारण हम कोई भी काम करने जाते हैं उसमें हमें सफलता मिलने के चांस जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बहुत कॉमन सी चीज है, यदि मैं अपना 100% किसी चीज में नहीं दूंगा तो सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, अब गुलजार भाई परेशान है, भाई हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से कराऊ, कैसे कराऊ, क्या होगा, कैसे होगा, बाल आएंगे नहीं आएंगे, कितना पैसा लगेगा एंड ऑल। परेशान होने के साथ साथ उनको एक वीडियो मिलती है, जो वीडियो मेरी होती है सोनू कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। अब वीडियो मिलने के बाद उनको एक नंबर मिलता है व्हाट्सएप पर, जाकर मेरे को मैसेज करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं। गुलजार भाई वैसे बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, बट दिल्ली में वो रहते हैं, दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पर। अब हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान होता है, ऑल ऑफ सडन सब चीजें हो जाती है, प्लान हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए क्लिनिक में आते हैं, क्लिनिक में आने के बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होती है वीडियोज की मेरे थ्रू। अब वीडियोज बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, आप लोगों का प्यार ऑल ऑफ सडन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वीडियोज पे व्यूज भर भर के आ रहे हैं, 5 ग्रेड नहीं 7 ग्रेड का बाल्डनेस, 5,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट, सिंपल सी चीज है। डोनर एरिया बहुत बढ़िया, क्वालिटी हेयर ट्रांसप्लांट होना है और क्वालिटी डोनर एरिया है। एफ यू टेक्निक से इनका हेयर ट्रांसप्लांट होता है। हेयर लाइन कुछ इस तरीके से बनाई गई है जिससे कि इनके फेस पे बिल्कुल ज्यादा सूट करेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, नेचुरल लगेगा और किसी भी एंगल से आर्टिस्टिक नहीं लगेगा, प्राकृतिक लगेगा। चलो हेयर ट्रांसप्लांट होता है, 5,000 ग्राफ्ट को इस तरीके से मैनेज किया गया। हेयर लाइन पे सिंगल फॉलिकुलर ग्राफ्ट लगाया गया, जिगजैग पैटर्न में इनका हेयर लाइन बनाया गया, इवन पूरा हेयर ट्रांसप्लांट इनका जिगजैग में हुआ है। आपको स्क्रीन पे वीडियो चल रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। एक सबसे जो अच्छी चीज है, इनका जो कॉम्प्लेक्शन है बहुत फेयर है, बिल्कुल गोरे हैं दूध की तरह, गोरे चिट्टे कह सकते हो आप। ठीक है, अब ट्रांसप्लांटेशन होता है, ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद जर्नी शुरू होती है, आप लोगों का प्यारा नष्ट हो जाता है, आप लोगों के मन में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है यार, जिज्ञासा जागृत हो जाती है कि अब क्या होगा इनके साथ। हेयर ट्रांसप्लांट जो है कराते हैं, हेड वॉश वगैरह होता है, बहुत सही रिजल्ट दिख रहा है, बट वहां तक थोड़ा बहुत मन में सकते कंफ्यूजन रहता है कि यार इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि 7 ग्रेड का बाल्डनेस है, बट स्टिल बहुत बढ़िया आता है। 3 महीने, जब 2.5 महीने होता है, 2.5 महीने के मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूँ। आपके वो सारे जो सारे वीडियोज है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में जाओगे आपको 2.5 महीने का रिजल्ट दिख जाएगा इनका। 2.5 महीने में काफी 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 अच्छा जो है इनका ग्रो कर रहा है, बाल फॉलिकल बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, भूरे भूरे से दिख रहे हैं। 2.5 महीने के बाद सीधा सीधा मैं बात करता हूँ 4 महीने के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट का। 4 महीने का इनका रिजल्ट सबको चौंकाने वाला होता है, बहुत शानदार होता है, स्कैल्प जो है ढकना शुरू हो जाता है, बाल ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं। 5 महीने की बात करूँ, 5 महीने में इनका रिजल्ट बहुत ठीक ठाक दिखने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस भाई आ गया इनका पूरा रिजल्ट, बट स्टिल 5 महीने में पूरा रिजल्ट नहीं आता है। 6 महीने की बात करूँ, जब मैंने आखिरी वीडियो लास्ट वीडियो दिखाई थी आपको 6 महीने की, वहां पर ये बंदा बहुत ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुका होता है। अब ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इनका 7 महीने का रिजल्ट जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो दिखाने वाला हूँ। अब 7 महीने का जो रिजल्ट है इनका, वो आपके धड़कनों को बढ़ा सकता है, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक व्यक्ति को यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म कर सकता है, क्या क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक व्यक्ति को दोबारा जीवन जीने का दिशा निर्देश दिखा सकता है, क्या क्या हेयर ट्रांसप्लांट एक व्यक्ति के मानसिकता को बदल सकता है, क्या क्या हेयर ट्रांसप्लांट से व्यक्ति इतना अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पा सकता है, क्या क्या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद लोगों का जो नजरिया है उस व्यक्ति के लिए इतना बदल सकता है क्या। ये सारी वो पॉइंट है जो जिसके ऊपर आपको एक बार सोचना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं जो गंजे हो चुके हैं या जिनका कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, जो काले रंग के हैं, जो मोटे हैं,
जो किसी भी बॉडी पार्ट्स, उनके जो ऑर्गन है थोड़ा काम नहीं कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि भैया नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जो असंभव है, सब कुछ संभव है। एंड नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, जो परमानेंट है। हर चीज एक नश्वर है और ये समस्त संसार एक माया है, इतना याद रखना बस। इसलिए आप वही करो जो आपको बढ़िया लगता है और शास्त्र सम्मत हो। जो चीजें शास्त्र सम्मत होगी, धर्म के रास्ते पर रख के करोगे, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अनर्गल बातें नहीं करनी, अनर्गल चीजें नहीं करनी। ये चीजें नहीं करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। गुलजार भाई साहब को सीखने की आवश्यकता है कि जीवन में आप जितना ज्यादा खुश रहोगे, उतनी अच्छी और खुशदायक आपको परिणाम देखने को मिलेगा। जीवन में जितना ज्यादा उदास रहोगे, उतना ही ज्यादा आपको उदासदायक परिणाम मिलेंगे। और ये रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है, ये हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आपको कैसा लग रहा है, आपको अब कॉमेंट करके बताना है। और आने वाले अभी 5 महीने हैं, 5 महीने तक मैं इनका रिजल्ट आपको दिखाता रहूंगा, मिलता रहूंगा, जब तक इनके 12 महीने कंप्लीट नहीं हो जाते। इसलिए मैंने इतने सारे लोगों के हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं और इतने सारे लोगों के जीवन बदले हैं, सबके सब अपने जीवन में खुश हैं, सुखी हैं। आप भी चाहते हो कि अपने गंजेपन को हराना है और दोबारा से अपने आप को मार्केट में वापस लाना है, आओ मेरे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।